Let's see. So three things on a background, on a text and on a video. तीनों पे अप्लाई करके देखेंगे कहां पे किस तरह से आप सेटर इफेक्ट को यूज कर सकते हैं. Simulation. Okay, sorry. So if you go to effect, simulation and setter, you will find it somewhere on here. Okay. So I have applied a setter effect to the layer. Now if I just move or play, you can see something is happening, something is getting breakdown, but it's in the wireframe. Now जब भी आप setter effect के साथ काम करोगे आपको mostly हमेशा आपको ये wireframe में दिखेगा by default. इसको आप change कर सकते हो by going to choosing from wireframe forces to the render. आपको ये चेंज करना पड़ेगा. जैसे आप रेंडर पे क्लिक करो जो आपको ओरिजिनल बैकग्राउंड का कंटेंट था वो देखने लगेगा. इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, सो नो कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व. सो ऑल यू हैव टू डू इज जंप फ्रॉम वायरफ्रेम प्लस फोर्सेस टू रेंडर्ड एंड द इफेक्ट विल अप्लाई टू योर सॉलिड एंड यू कैन सी योर सॉलिड. Now, once you're done with this, you got lots of options here, बहुत सारे options हैं, but we'll see the basic option जिससे आप चीजों को better बना सकते हैं. So the first option is the shape. Shape में आपके पास क्या है? सबसे पहला obviously जो आपके पास option है कि किस तरह का shattered होगा. Right now ये brick style में break हो रहा है, as you can see. But I won't say ये एक style में break हो, या फिर किसी से wood style में break हो. Any style, but in my case I'll take the glass, which seems much better. I'll change the color. Doesn't matter what color you take. I'm just keeping yellow for right now. It looks much better compared to red. Okay, so I have taken a pattern as a glass. So you take whatever you like. Glass. Selecting renders, the second thing you will select the pattern is in this is glass. Then we have a custom setter map. Now what is this? This is like ki agar aap koi custom shape create karna chahte hai, say aap text a type ka break karna chahte ho, b type ka, so you can add a layer here and you can input that text here, but wo baad mein dekhenge. Filhal ke liye just move to the next option. We say repetitions. Now what is repetition? Repetition is the number of impact points. So if I start increasing this repetitions, it will have lot more impact points and the chunks will be lot more smaller. The next one is direction. Now obviously iske isme aapko direction itna zyada dikhega nahi, but if I just move the value, you can see the chunks are getting rotated. Now coming back to the topic, now next option is the origin. Now what is the origin? Obviously sometime you will like to keep चीजें मिडिल से ब्रेक हो, बट से आप चेंज करना चाहते हो, यू वांट टू चेंज द पोजीशन टू द टॉप, टू द लेफ्ट, टू द राइट, टू द बॉटम, एनी प्लेस ना, सो यू कैन चेंज द ओरिजिन. सो हियर देयर आर टू वेज टू डू दिस. आप इस टारगेट को क्लिक कर सकते हो एंड जिस एरिया पे आप जहां से आप ब्रेक करना चाहते हो वहां पर क्लिक कर दो. आप देख सकते हो कुछ चेंजेस हुआ. ऑब्वियसली यहाँ से ब्रेक तो नहीं हो रहा है, बट चीजें मूव हुई हैं. पहले ये सेंटर में आप देख सकते हो कि सेंटर में ऐसा दिख रहा था, अब ये कुछ दिस डिफरेंट टाइप का पैटर्न दिख रहा है. पहला तरीका तो ये है. दूसरा तरीका आप ऑब्वियसली मैनुअली मूव कर सकते हो यहाँ से, और एक और तरीका आप मैनुअली माउस को भी ड्रैग कर सकते हो इफ यू वांट टू चेंज द ओरिजिन ऑफ द सेटर इफेक्ट. नाउ इफ आई जस्ट प्ले ना, आपको कुछ गड़बड़ दिखेगा. मैंने इवन ओरिजिन चेंज कर दिया, पुट द ओरिजिन हियर, स्टिल ब्रेकिंग फ्रॉम द सेंटर. अभी भी सेंटर से ही ब्रेक हो रहा है. नाउ व्हाई इज दिस इज हैपनिंग? दिस इज हैपनिंग बिकॉज़ ए रियल वर्ल्ड में क्या होता है ना, आपका जो फोर्स होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक पत्थर फेंका, तो रियल में ग्रेविटी और डायरेक्शन सब एक साथ एक्ट करती है. बट दिस इज सॉफ्टवेयर. सो मैंने क्या किया, मैंने उसको डायरेक्शन बता दिया है. आई टोल्ड कि डायरेक्शन तो यहाँ पे, बट फोर्स अभी भी क्या हो रहा है ना, वो सेंटर से ही अप्लाई हो रहा है. सो आई हैव टू चेंज टू थिंग्स ताकि मेरा जो इम्पैक्ट एरिया है वो चेंज हो. सो आई हैव चेंज द डायरेक्शन, लेट्स गो टू द फोर्स. आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, दिस इज कॉल्ड फोर्स. You can see there is a option called position. Now position क्या है? By default जो आपका starting position था. If I do a reset ना, if I just come back to the render glasses, nothing else. So आप देख सकते हो आपका origin and position of force दोनों same है. That's why
इम्पैक्ट इवन मैंने यहाँ पे ओरिजिन चेंज कर दिया था बट द इम्पैक्ट वॉज हैपनिंग फ्रॉम दिस साइड. सो इफ आई एम चेंजिंग दिस the origin point, I have to change the impact point also. So as you can see, as I am moving the impact point, my direction is also getting fixed, or my impact point is getting fixed. So if I play right now, आप देख सकते हो मेरा impact point. Change हो गया. Make sense, guys? Yes. So you want to put it in the top. I'll take this target. Click it here. Move the force. So आपको दो चीज चेंज करना पड़ेगा जब आप इम्पैक्ट पॉइंट चेंज कर रहे हो. ओके मूविंग फॉरवर्ड आई गॉट टू मोर ऑप्शन. फिलहाल के लिए इसी दो ऑप्शन के साथ करेंगे. ज्यादा ऑप्शन बताऊंगा तो थोड़ा ऊपर से चला जाएगा बट विल फिनिश दिस ऑप्शन. वन मोर ऑप्शन विच इज कॉल्ड एक्सट्रूजन डेप्थ. Obviously, as the name suggests, depth, what is this? आप देख सकते हो जो आपका पार्टिकल का जो डेप्थ है या जो थिकनेस है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो. अगर ज्यादा बढ़ाओगे तो इसका थिकनेस बढ़ जाएगा, घटाओगे तो थिकनेस घट जाएगा. So, it's up to you. How you wanna keep it. Now, there are some more options in the force option जिसकी जरूरत है. आप देख सकते हो अभी तक मैंने कोई की फ्रेम नहीं लगाया बट स्टिल द एनिमेशन इज हैपनिंग फ्रॉम द जीरो फ्रेम. दिख रहा है? Yes, sir. So, say some particular time, आप क्या करना चाहोगे? You want the animation to happen from 25 frame, 50 frame, 75, whatever. So, I want कि थोड़ा animation shift हो जाए 0 से 25 या 0 frame पे break ना हो. So, in that case, what you have to do? You have to animate this force option. यहाँ पे आपके पास तीन option है: depth, radius, and strength. Obviously, radius and strength are easy to understand. So, radius will be your impact area. कितने बड़े एरिया पे आप इंपैक्ट करना चाहते हो. सो आप रेडियस बढ़ाओगे तो ज्यादा एरिया इंपैक्ट होगा, घटाओगे तो ऑब्वियसली उसका एरिया घट जाएगा. सो इट्स अप टू यू. एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ इज लाइक कि पार्टिकल टूटने के बाद कितना ज्यादा उड़ेगा या कितना ज्यादा दूर जाएगा. सो इफ आई जस्ट ब्रिंग द वैल्यू से 50 या मेक इट 30. सो आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा स्पीड आ गया. लेट मी मेक इट टू. एंड द लास्ट ऑप्शन विच आई डिड नॉट एक्सप्लेन टू यू वाज अ डेप्थ. डेप्थ में क्या होता है? That is कि आप कब से एनिमेशन स्टार्ट करना चाहते हो, कब आप इसे स्टॉप करना चाहते हो. यू कैन कंट्रोल दैट. सो इफ आई स्टार्ट इंक्रीजिंग डेप्थ, आप देखोगे धीरे धीरे क्या हो रहा है, पार्टिकल वापस आके अपने पोजिशन पे आके रुके. आई थिंक 0.41 इज द डिफॉल्ट जहां पे आपका एनिमेशन रुक जाता है. देयर इज नो एनिमेशन नाउ. सो फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू स्टार्ट द एनिमेशन फ्रॉम 0.25. सो मैं यहाँ पे वैल्यू डाल दूंगा 0.41, की फ्रेम डालूंगा. And I can move to one frame, two frame, sorry, 1 second, 2 second or 3 second. And then मैं इसके values को 0.1 add कर दूँ. So if I just play, आप देख सकते हो now it's animating after 25 frames. 0 से 25 में कोई भी animation नहीं हो रहा है, but after 25 years, this is animating. Cool. Yes, sir. Okay, so this was this effect was applied on the solid. Now let's try applying on the text and try to create some cool effects. So I'll apply a certain effect. Okay, I just taken a text here. Sorry. Okay, so whatever font you like, you can use it. I'll go to effect, simulation, and apply shatter. Okay, so once again, I have applied the shatter effect. Now it's showing the wireframe. So, आपको सबसे पहले जो option change करना है from wireframe to render. This is what you have to do. When you apply automatically, as you can see, the shatter effect has been applied to the text layer.
So once you're done, the second option, जो मैंने change किया था, I'll go with the glass. Now I'm going in a little fast way because we have a very limited time. कहीं भी question होगा तो आप पूछ लेना. So आप देख सकते हो जैसे मैंने इसका shatter effect apply किया, ठीक है, it's breaking, fine. But दो तीन चीजें इसमें change करना चाहूंगा. मैंने जो particles है बहुत ज्यादा, आप देख सकते हो center वाला ही बस जो area वो break हो रहा है, and plus particle इतना मजा नहीं लग रहा है देखने में. So I want की chunks थोड़े से छोटे हो. उसके लिए मैं क्या करूंगा, repetition I'll make it 100. So as you can see, जैसे मैंने 100 apply किया, now the chunks. That's a very good shatter effect. Now जो 20 use नहीं कर रहे हैं, 20 after effect. उनके जो जवाब when you will apply ना shatter effect to your layer, उसमें thickness नहीं दिखेगा, उसमें gap दिखेगा. तो पुराने वाले version में ये problem है, देख लेना. Okay, so इस case में मेरे को क्या करना है, थोड़ा सा इसको play करना है. I want की जो effect हो ना center से ना आके left से right break होता हुआ जाए. And second thing, मैं इतना thickness नहीं चाहता. As you can see, बहुत ज़्यादा rendering slow हो गया मेरा. Even if I have a good configuration, so मैं इसका क्या करूँ, extrusion depth घटा दूँगा. I'll make it. I just want this should look like a paper thick. So 0.01 is the minimum. So right now, if I just play, it should be a little faster. Yeah, it's better. Now the next thing is, ki I want ki jo animation ho ya yahan se start ho. पहले S फिर H A B इस तरह से order में break हो. किसी का mic on है यार, please off कर लो. ओके, सो बट बिफोर आई डू दैट, मैं पहले इसके एनिमेशन, चलो पहले इसको ब्रेक करके देखते हैं, फिर की फ्रेम हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं. सो लेट्स से कि मेरे को इस चीज को मूव करना है. सो आई हैव टू स्टार्ट द एनिमेशन फ्रॉम एस. सो दो चीज मैंने आपको बताया था चेंज करने होंगे. सबसे पहले ओरिजिन एंड देन फोर्स का पोजिशन. सो जैसे मैं इसको चेंज करूंगा, एज यू कैन सी अब जो एरिया ब्रेक हो रहा है, दैट इज एस एच ए. नाउ इतना एरिया क्यों ब्रेक हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा रेडियस बहुत ज्यादा है. सो इफ आई स्टार्ट डिक्रीजिंग द रेडियस, आप देख सकते हो नाउ द इम्पैक्ट एरिया इज वेरी लेस. सो मैंने बहुत कम कर दिया, इट वॉज 0.4, नाउ इट्स 1.9. सो एज यू कैन सी बस छोटा सा एस का एरिया ही ब्रेक हो रहा है, विच इज कूल. सो लेट्स से कि मेरे को क्या करना है, इसको एनिमेट करना है. एंड अगेन मैं चाहता हूं कि 25 फ्रेम से एनिमेट हो. ना इसको क्या करूंगा ना, मैं ओरिजिन एंड पोजीशन को थोड़ा और पीछे ले जाऊंगा, जस्ट टेकिंग दिस लिटिल बिट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, ताकि कुछ भी ब्रेक ना हो. ना इस केस में मैं डेप्थ को एनिमेट नहीं कर रहा हूँ. मैंने क्या किया ना, इम्पैक्ट एरिया को ही बहुत इतना ज्यादा दूर कर दिया, जिसकी वजह से कोई भी इफेक्ट इस पर अप्लाई नहीं हो रहा है. ना इस केस में अब मैं क्या करूंगा, आई विल जस्ट एनिमेट दी फोर्स पोजीशन. उससे क्या होगा कि आपका टेक्स्ट टूटता हुआ दिखेगा, बट वो एनिमेट कब से होगा, वो 25 फ्रेम से होगा. सो की फ्रेम इट, गो टू 100 फ्रेम्स, 5 सेकंड का रखते हैं. एंड इफ आई स्टार्ट मूविंग, इफ आई प्ले, cool guys. Yes sir. Yes sir. So you can create a very cool animation with this. Okay, so this is what you have to do. Again, I'll just do it in a very fast way. हाँ जी, ऐसे दिखाना जैसे कई जमीन पे गिरा ये शैटर होके. सी ये रियल टाइम क्या कहते हैं, व्हाट यू से, यहाँ पे कोई जमीन पे वो कांटेक्ट नहीं कर सकता है. कैन नॉट बी डन लाइक दैट बिकॉज इट्स नॉट माया, जहाँ पे आप क्या कहते हो डायनेमिक क्रिएट कर सकते हो. माया क्या ना, तेरे पास एक ऑप्शन होता है जहाँ पे आप उस फ्लोर बता सकते, दिस इज द फ्लोर,
वो स्टैटिक होता है, आप ये डायनेमिक होता है, जब वो टकराता है तो फ्लोर पे गिर जाता है. सो दैट ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन आफ्टर इफेक्ट. मूविंग ऑन, थोड़ा सा जल्दी जाते हैं. एंड लेट मी टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट. सर सिनेमा 4D के साथ तो कर सकते हैं ना? आपको अगर आता है सिनेमा 4D आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं. सी हजार सॉफ्टवेयर है करने को इफ यू वांट टू मेक मोर रियल. बट राइट नाउ क्या ना, मैं आफ्टर इफेक्ट में जस्ट एनिमेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सो आफ्टर इफेक्ट. ओके सो अगेन फॉर द फाइनल व्यू. सो व्हाट आई डिड की मैंने यार रेंडर चेंज कर दिया है. आई हैव चेंज द रिपीटेशन टू 100. ओके ओरिजिन बाहर कर दिया था, पोजीशन को भी बाहर कर दिया था. सो नथिंग विल ब्रेक. I'll move to 25 frame, 30 frame, whatever you like. And if it's breaking, so decrease the radius till it does not break. Then come to whatever frame you like the animation to start. Go to the force position, keyframe it. Move to 100. And one pattern I forgot, I want to make this glass, not brick. And extrusion depth, I'll put the value to 0.01. This should look like a paper. Okay, now you can do some cool stuff with this. Say you want to reverse the animation. I want to reverse the animation here. So I'll go to 100 frame. Right click, time, and you can see a time reverse there. So in this case, what will happen? A text will be created from those chunks. ऐसा लगेगा जैसे chunks आके text को बना रहे, which is again a cool effect which you can apply. Okay, so this is your text. I'll come directly to the video because we have just 9 minutes left. Just a second. Now I have this video. This video has an alpha in it. So इस केस में अपने को क्या करना है ना, I have to break the what do you say? I need to apply a shatter effect on this face. And अपने को क्या दिखाना है, जैसे उसका skin tone dark है and white जब particle टूट रहा है तो white tone उसका reveal हो रहा है. So in this case, again I'm just going little bit faster. I'll just duplicate the layer. This will be bright. RGST. This will be dark. So I'll go to the select the dark layer, go to effect, color correction, curves, and make this darker. So one layer is brighter, another one is darker. I'll go to effect, simulation, shatter, change the option to render, save to glass. Now obviously it will have a very big thickness here, so extrusion depth should be 0.01. Repetition, I'll make it 100. So this is the default which I always use. So if I just play to show you what's happening, so kuch is tarah se toot raha hai, which is cool. But what I want ki, again, I just want ki ek direction se start ho and dusre direction mein end ho jaye. So for that, what I'm going to do is, again, I have to play with the value. I'll change the origin and I'm going to change the force. Okay, now as you can see, much better result. But what I want, 20 frames, say 0 to 20 mein koi bhi animation now, start with the 20 frame. So uske liye thode der pehle maine aapko bataya tha, we can use the depth value. मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ एंड यू कैन सी जैसे जैसे वैल्यू को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ
इसका एनिमेशन रुक जा रहा है. I'll keyframe the value at 0.41. I'll move to say अब 5 फ्रेम आप 1 फ्रेम पे भी जा सकते हो. सो व्हाट आई एम एग्जैक्टली सेइंग कि 19 फ्रेम पे या 20 फ्रेम पे ये स्टॉप रहेगा, पॉज रहेगा, पेज डाउन प्रेस करो, नेक्स्ट फ्रेम पे ये एक्टिवेट हो जाएगा. सो टू एक्टिवेट इट आई पुट द डिफॉल्ट वैल्यू 0.1. सो 0 से 20 नो एनिमेशन, बट एट 21 इट विल एनिमेट. मैं थोड़ा सा उसको और पीछे रख रहा हूँ. आई जस्ट वांट कि थोड़ा और पीछे रहे, बहुत सारा एरिया एक साथ टूट रहा है. वांट कि थोड़ा स्लो. सो आई जस्ट प्ले. या बेटर. सो आई वांट कि हाँ थोड़ा सा इतना ही एरिया ब्रेक हो. ओके सो वंस आई हैव डन विद दिस आई एम गोइंग टू एनिमेट द होर्स पोजीशन from 20 frame, keyframe it and say I want to go to 60 frame. I'll move. Now if I play, cool. So this is how you can create some cool effect. Now there's one big problem. Problem kya na, jab ye particle toot raha hai na, ye sare particles ke face pe aa ja raha hai. What I want na ki jab toote to lage ki ye toot ke apne right side mein ja raha hai, rather than ki staying there. So for that what you can do is we have a option called physics. Yahan pe aap dekh sakte ho physics hai. So what you can do is just change the direction. आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेविटी डायरेक्शन है, -180 नीचे पुल कर रहा है, जिसकी वजह से उसके फेस पे पूरा पार्टिकल दिख रहा है. सो जस्ट आई विल पुट अ वैल्यू 0. आई हैव वर्क विद दिस. सो 0 वर्क फाइन. लेट्स सी इफ दिस वर्क फाइन ऑर नॉट. या दिस लुक्स मच बेटर कंपेयर टू 180. आप देख सकते हैं जो पार्टिकल नाउ टूट रहा है वो ऊपर की ओर भाग जा रहा है. ओके so you can play with, say you are not happy with that this direction, you can put 90. Let's try 90. Okay, 90 is also fine. Actually 90 looks much better. Yeah, है ना, जो आपके कॉस्मेटिक के एड्स वगैरह में आते हैं.